आप चेहरे बदलते रहते हैं, रंग बदलते रहते हैं। दो बातें बड़ा अच्छा इन्होंने याद दिलाया, इन्होंने कोरोना का याद दिलाया। क्या देश में ऑक्सीजन की हालात की पूरा देश जानता था? जी जी जी। किस तरह से अपनी वैक्सीन विदेश भेज करके लोग यहां करा रहा था पूरा देश जानता है। दूसरी बात जो अभी इन्होंने अच्छे से याद दिलाया कि अरविंद केजरीवाल जी को सिंगापुर में दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस को रखने के लिए बुलाया गया था, जहां पे 42 देश के लोग इकट्ठा थे। अरे मेयर कॉन्फ्रेंस था, लोग जानना, अलग अलग शहर के लोग ये जानना चाहता था कि शिक्षा का मॉडल क्या है, स्वास्थ्य का मॉडल क्या। आप क्यों घबरा गए? आप क्यों घबरा गए? घबराने चाहिए था। मैं होगा पब्लिक, पब्लिक पब्लिक का सवाल है। मैडम कुछ कहना चाहती है? मैडम अपनी बात को रखिए। संजीव जी एक बात बताइए, ओपिनियन पोल हमने सुन लिया, अब टैक्स पेयर का पैसा मतदाता की जेब में डाल के और बड़े बड़े वादा करेंगे, इस तरह से इलेक्शन जीतेंगे? और केजरीवाल जी का तो ये हाल है, नाखून में बात होती है और बड़े बड़े एड शुरू हो जाते हैं, ये इलेक्शन जीतने का तरीका जी है? जी जी ओके, मैं आपके पास आऊंगा, मैं पीछे जाता हूँ कुछ लोगों के पास। आपका क्या पॉइंट है बोलिए। सर हेट स्पीच पर आजम खान जी को तो सजा मिल गई, पर क्या बीजेपी के प्रवेश जी को सजा मिलेगी? क्योंकि वो तो एक ही समूह को टारगेट करते हैं ना। प्रवेश वर्मा को सजा, ओके आपका पॉइंट क्या है बोलिए। ये तो स्वागत सत्कार करने वाले लोग हैं। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, मुद्दा उठा रहे हैं जी। सर मेरा क्वेश्चन आम आदमी पार्टी साथ में हो, हम क्यों पूछे, आप दोनों एक दूसरे से पूछो। ओके सर मेरा क्वेश्चन आम आदमी पार्टी से है कि कभी वो कहते हैं कि बिजली फ्री में देंगे, कभी कहते हैं कि हम शिक्षा की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि नोट पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो बननी चाहिए। अब आप ये बताइए, आप देश के मामलों में क्यों नहीं बात करते हैं? देश के मामलों पे क्यों नहीं बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। ठीक है आगे लेता हूं मैं। जी 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 क्या सवाल है आपका? आपको दूंगा मौका बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है। 2016 में सर वेस्ट बंगाल में एक ब्रिज गिरा, तब पीएम मोदी जी का कहना था कि ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। अब मोरबी में एक ब्रिज गिरा है, तो अब इसको जनता एक्ट ऑफ गॉड कहे या एक्ट ऑफ फ्रॉड कहे? जी 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 एक पॉइंट है। आप मैडम कुछ कहना चाह रही थी, आऊंगा मैं, आ रहा हूँ आपके पास, पहले आपके बताता हूँ बोलिए क्या पॉइंट है आपका बोलिए। श्रीमान जी हमें तो सभी पार्टियों से प्रश्न करना है कि ये बोला जा रहा है कि विधायकों को खरीद फरोख्त कर लिया जाता है, ये क्यों नहीं कहते हैं कि जिस तरीके से विधायक अपना मत ले लेते हैं उसी प्रकार जनता विधायकों से अपना मत वापस ले ले। अच्छा, इस तरीके का राइट टू रिकॉल। अच्छा जी 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 आपको मैडम छोटा सा जी। हिमाचल और गुजरात में चुनाव है, मैं वोटर हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं ठगी ना जाऊँ, मेरा चुना हुआ विधायक बिक ना जाए। आपका आपका चुना हुआ विधायक बिक ना जाए, डर किससे लग रहा है आपको? जिसको मैं चुनूंगी। डर किससे लग रहा है? जिसे मैं चुनूंगी। जिसे आप चुनूंगे? अच्छा किसको चुनूं? परशानू। अच्छा तो आपको लग रहा है कोई बिक ना जाए, तो फिर आपकी राय क्या कहती है इसमें? वोट तो मुझे देना है ना, वोट तो मुझे देना है, ये बड़ा अच्छा है। ओके ठीक है, मैं एक एक्सपर्ट ओपिनियन पोल के ऊपर आपका कमेंट, सवाल नहीं आपका कमेंट ओपिनियन पोल पे, ओपिनियन पोल पे कमेंट, ओपिनियन पोल। देखिए ओपिनियन पोल हमने इससे पहले भी देखे थे और उसके बाद हमने क्या नतीजे देखे, जो भरपाई कर रहे थे कि हमें 150 सीट लेकर कर, उसके बाद 99 पे आकर के रुक गए, सेंचुरी भी निभाए। एक सुधांशु जी आपसे सुन लीजिए, राहत इंदौरी साहब का शेर जो है बिल्कुल आप पे फिट बैठ रहा है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। आप गुजरात मॉडल 2014 से कह रहे थे, आज गुजरात मॉडल की कोई चर्चा नहीं। चलिए सुनिए एक मिनट, आमिर इन्होंने जो बोला उसी की आगे की लाइन बता देता हूं। अरे राहत इंदौरी के उसी शेर को कंप्लीट कर देता हूं, मुझे पता है। अगर है खिलाफ तो खिलाफ होने दो, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, और जो तुम्हारे दिल में है वही सदाकत है, सभी के दिल में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। जी 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 पति 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 आप ओपिनियन पोल पर आपका पॉइंट। ओपिनियन पोल तो आपने भी देखा है, बहुत ऐसे ओपिनियन पोल आ गए जो हवा हवाई हो गए। आपको लगता है कि ओपिनियन पोल से उल्टा रिजल्ट देती जाएगा? बिल्कुल उल्टा रिजल्ट। और अगर नहीं आया 8 दिसंबर को तो हम यहाँ पे रहेंगे, आपके सामने माफी मांग लेंगे। दूसरी, हर बारी मांगते हो आप माफी, हर बारी माफी मांगने का रिकॉर्ड है आपका, हर बारी माफी मांगने का रिकॉर्ड है। 2019 माफी मांगी, 2017 माफी मांगी, दर 2000 मांगी नहीं मांगी, 2017 में आप इसी मंच पे बोल के गए थे कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, सपा और कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन बीजेपी की 325 सीटें आई। 2019 में आपने बोला बीजेपी 150 का आंकड़ा क्रॉस नहीं करेगी, बीजेपी ने 300 क्रॉस करा। बताइए, देखिए हमारे सामने मायावी व्यक्ति खड़े हैं, भाजपा और आम आदमी इतनी मायावी है, भगवान के नाम पे फोटो लगा के कहते हैं बरकत हो जाएगी, तरक्की हो जाएगी। अरे बताइए ना, पॉल्यूशन पे हमने बात नहीं करी, भगवान इंद्रदेव का लगाए कि वरुण देवता का लगाए, पवन देवता का, किसको लगाए? लेकिन इंटरेस्टिंग ये है, ये दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, लेकिन कांग्रेस की सीटें जीरो आई, लेकिन माफी उसकी आपने नहीं मांगी। उनके जज्बे को सलाम करिए। जी आपका पॉइंट क्या है? दीपक भाई के जज्बे को सलाम कीजिए कि इतने कद्दावर नेता हैं कि बार बार मुंह की खाते हैं फिर भी वहीं स्टैंड पे रहते हैं। अच्छा दीपक जाके लिए भाई।
राइटिंग इज क्लियर ऑन द वॉल, जो भी ओपिनियन पोल है उससे हम सहमत हैं, उसी तर्ज पर सारी चुनाव होगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं सर।